सुम्बुल तौकीर खान के पापा का बड़ा बयान, सुमान कंट्रोवर्सी पे कह दिया कुछ बड़ा। जी हाँ, हाल ही में सुम्बुल तौकीर खान अपने पापा के साथ नज़र आई इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड सीजन 9 में, जहाँ पर सुम्बुल के पापा से कुछ सवाल किए गए और उस पे सुम्बुल के पापा ने काफ़ी बड़े बड़े जवाब दिए हैं। क्या कहा है सुम्बुल के पापा ने, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल डेली न्यूज़ में। तो हाल ही में सुम्बुल तौकीर खान को बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। जी हाँ, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड की तरफ से सुम्बुल को बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वहीं पर सुम्बुल अपने पापा के साथ नजर आई थी। जब मीडिया ने सुम्बुल के पापा से बातचीत की और कुछ सवाल किए तो सुम्बुल के पापा का क्या कहना था, आइए बताते हैं। मीडिया ने सुम्बुल के पापा से काफ़ी सारे सवाल पूछे, जिसमें से पहला सवाल था कि आपको कितना खुशी मिलती है जब आपकी बेटी या फिर बेटियों को कुछ अवार्ड्स मिलते हैं। तो सुम्बुल के पापा का कहना था कि जब आपके बच्चे काम करते हैं तब तो आपको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब उन्हें अवार्ड मिलते हैं उसी काम के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। इन्हीं सब सवालों के बाद सुम्बुल के पापा से सुमान कंट्रोवर्सी पे पूछा गया, जिस पे उनके पापा का साफ कहना था कि ये बच्चों की बात है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो बात बिगड़ जाएगी, बच्चों का मामला है वो खुद ही संभाल लेंगे। जी हाँ, सुम्बुल के पापा का ये भी कहना है कि उन्होंने सुम्बुल को बिग बॉस में भेजने का मकसद सिर्फ यही था कि सुम्बुल मैच्योर बने और अपने लिए खुद डिसीजन लें। और आज भी सुम्बुल के पापा उसके साथ सिर्फ एक ही कारण से आए हैं, क्योंकि सुम्बुल के ड्राइवर नहीं थे। जी हाँ, सुम्बुल के पापा का कहना है कि अब सुम्बुल मैच्योर हो चुके हैं और अपने सारे डिसीजन खुद लेती हैं। बाकी आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।